सो गाइस, लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा था कि सातुरु गोजो लेके जाता है फ्रैंकलिन को डेविल गॉड के पास और डेविल गॉड को बोलता है कि सातुरु गोजो को हेल का राजा बना दे, लेकिन डेविल गॉड उसे मना कर देता है क्योंकि डेविल गॉड को एवेंजर्स की बॉडी भी चाहिए थी। ये बात सातुरु गोजो को अच्छी नहीं लगती है और फिर वो डेविल गॉड को धमकी देता है कि अगर उसने सातुरु गोजो को हेल का राजा नहीं बनाया तो वो फ्रैंकलिन को जान से मार देगा। डेविल गॉड बोलता है ठीक है मार दे। इस बात से सातुरु गोजो को इतना गुस्सा आता है कि वो फ्रैंकलिन को अपनी शक्तियों से एक सेकंड में मार देता है। फ्रैंकलिन यहाँ पे बिन बात के मारा जाता है गाइस, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अब गाइस सातुरु गोजो डेविल गॉड को मारने की धमकी देता है, इस बात से डेविल गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सातुरु गोजो को आखिरी वार्निंग देता है, लेकिन सातुरु गोजो बोलता है नहीं उसे हेल का किंग बनना है वरना वो डेविल गॉड को मार देगा। डेविल गॉड अपने चारों बच्चों को सातुरु गोजो पे अटैक करने के लिए छोड़ देता है। सबसे पहले एक बच्चा उसको मारने के लिए जाता है लेकिन सातुरु गोजो गायब हो जाता है। उसके बाद डेविल गॉड के सारे बच्चे एक साथ प्लानिंग करते हैं सातुरु गोजो को कैसे मारा जाए और गाइस फिर शुरू होती है बहुत ही खतरनाक सी फाइटिंग डेविल गॉड के चारों बच्चों की सातुरु गोजो के साथ में। आप लोगों ने अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने ये फाइटिंग ही नहीं देखी तो आपने बहुत बड़ी गलती करी गाइस, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। डेविल गॉड के सारे बच्चे अपनी फुल पावर में सातुरु गोजो को मारते हैं। सातुरु गोजो के पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि वो अपनी जुजुत्सु काइसन की पावर यूज करके डेविल गॉड के चारों बच्चों को मार सकता है। और फाइनली गाइस एक स्पेशल अटैक के साथ यहाँ पे जुजुत्सु काइसन का सातुरु गोजो जीत जाता है गाइस और वो डेविल गॉड के बच्चे को हरा देता है। थोड़ी देर बाद लड़ाई जब खत्म होती है तो पता पड़ता है कि फ्रैंकलिन की बॉडी एयरपोर्ट पे लावारिस की तरह पड़ी है गाइस। हाँ गाइस, सब लोग अपने घर पे जा चुके थे, फ्रैंकलिन की बॉडी ऐसी ही पड़ी हुई थी एयरपोर्ट पे। फाइनली थोड़ी देर बाद गाइस कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आकर के फ्रैंकलिन की बॉडी को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। कैप्टन अमेरिका यहाँ पे फ्रैंकलिन की बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और आयरन मैन यहाँ पे गोजो सातुरु को मारने के लिए निकल जाता है। अब देखते हैं गाइस आगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आखिरकार मैंने तुम चारों को ढूंढ लिया। तुम चारों को मैं पिछले 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। नूबड़ो, तुम चारों एक साथ मिल गए। अभी डेविल गॉड को फोन करके बोलता हूँ ये लोकेशन पे आ जाओ। डेविल गॉड अपनी पूरी फौज लेकर के चारों यहीं पर है। चारों को आज ही खत्म कर देता हूँ मैं। हाँ हाँ, बहुत जल्दी मेरे डेविल गॉड यहाँ आ जाएंगे। तुझे क्या लगता है, तेरे डेविल गॉड अगर यहाँ पे आएंगे तो हम चारों को हरा देगा? एक बार नजर तो देख हम चारों कितने ज्यादा पावरफुल है। तेरा डेविल गॉड आज किसी को भी ले आए, हम चारों मिलके तेरे डेविल गॉड को आसानी से मार सकते हैं। ए, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें मारने के लिए डेविल गॉड खुद आएंगे क्या? तुम नूबड़ों को मारने के लिए तो डेविल गॉड ने एक अलग से नया राक्षस बनाया है। तू चाहे किसी भी राक्षस को लेकर के आ जाओ मंकी किंग, अपने डेविल गॉड को बोल दे हम चारों मिलके किसी भी राक्षस का सामना कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अभी बुलाता हूँ उस राक्षस को। बुलाने से पहले तुम एक बात जान लो चारों, वो राक्षस इतना खतरनाक है कि तुम चारों को एक बारी में एक साथ खत्म कर सकता है। डेविल गॉड अपनी पूरी आर्मी बना रहा है तुमको मारने के लिए, अब तुम चारों को कोई नहीं बचा सकता। अरे मंकी किंग, मैं गोकू हूँ, तुम्हारे नए राक्षस के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। जरा पीछे मुड़ करके तो देखो तुम आगे किससे बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। अरे ये क्या, ये तो हमारे पीछे खड़ा है, तो हमारे आगे कौन खड़ा है? दो दो मंकी किंग, ऐसे कैसे हो सकता है? गोकू ये इसकी चाल है, मंकी किंग जादूगर है बहुत बड़ा, इसीलिए तो इसकी बातों में मत आना। तुम बस सामने वाले मंकी किंग पे ध्यान दो, ये अपने बहुत सारे रूप बना सकता है। मंकी किंग ज्यादा जादूगरी हमारे सामने मत चला, जो भी राक्षस बनाया है तेरे डेविल गॉड ने उसे अभी यहाँ पे बुला। जरूर बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है लूसिफर। मंकी किंग तुमने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया? आओ मंकी किंग, किसको मारना है जल्दी बताओ, किसको मारना है? तुम जिसको बोलोगे उसको टपका डालूंगा, बोलो किसको टपकाने का है, बोलो मंकी किंग। अरे मोटे तू आ गया क्या, तेरा राक्षस कहाँ पर है जो डेविल गॉड ने बनाया था अभी नया वाला? अरे वो क्या, अरे वो वाला तो आ रहा है रास्ते में है अभी। अरे यार ये तो वही वाला है, बूमर अंकल बोलते हैं इसको, इसको तो मैंने आखिरी बार बहुत गंदा मारा था मैंने। क्या बात कर रहे हो, ये इतना मोटा है, ये हम चारों को एक साथ निपटा सकता है। लूसिफर इससे बच के रहना पड़ेगा। अबे भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यार ये इतना ज्यादा मोटा है और ये जो नया वाला राक्षस बुला रहा है वो पता नहीं कितना मोटा होगा यार। चलो सबके सब तैयार हो जाओ, हमारी लड़ाई होने वाली है। क्रेटोस अगर तुम्हें इसे देख के डर लग रहा है तो अब जो आने वाला है उसे देख के तुम्हारा क्या हाल होगा? किसी को डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ,
मैं सबको खत्म कर दूंगा। तुम बस मैदान में डटे रहना। हम चारों एक साथ किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अरे मेरे को तो मंकी किंग ने बुलाया था, लेकिन मंकी किंग कहाँ पर है? दिख क्यों नहीं रहा? ओए मंकी किंग कहाँ है मेरे को बता। अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे को छोड़ दो प्लीज। अरे मंकी किंग कहाँ है बता मेरे को। अरे क्यों मंकी किंग, मैं मंकी किंग को नहीं जानता। चल बेवकूफ कहीं का, ये किसी काम के नहीं है। मंकी किंग कहाँ है यार, यही तो जगह बताई थी। चलता हूँ यहाँ पे, कहाँ है मंकी किंग? अरे ये लोग कौन खड़े सामने? अरे हट जाना मेरे सामने से। छोटे छोटे बेवकूफ से लोग। मंकी किंग तुमने मेरे को बुलाया था क्या? अरे ये क्या इतने सारे मंकी किंग? अबे मंकी किंग यार तुमने मेरे को बुलाया? लो मैं आ गया हूँ। मंकी किंग ये सामने तो लूसीफर और ये नरूटो गोकू, ये लोग क्या कर रहे हैं मंकी किंग? आ चुके हैं तुम रेड कलर वाले बूमर अंकल। किंग क्या करना चाहते हो आखिरकार? इनको निपटाना है क्या? चारों को निपटा दूं? अरे नहीं, हमारे डेविल गॉड ने इनके लिए बड़ा राक्षस बनाया है। इन चारों के लिए तो वो अकेला काफी है। अरे यार लूसीफर, ये मंकी किंग तो हमको चारों तरफ से घेर के बैठ गया, अब हम क्या करेंगे? गोकू एक काम करो, तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर को चालू रखना। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी तुम जल्दी से एक बारी में अपनी पावर बढ़ा देना। मैं भी अपनी पावर बढ़ा करके एक साथ अटैक करेंगे चारों, तभी जीत सकते हैं। इस मंकी किंग ने धीरे धीरे करके अपने सारे लोगों को यहाँ पे बुला दिया है। इसका इरादा है हम चारों को पकड़ करके और डेविल गॉड के पास ले जाना। अरे क्या बड़बड़ करे जा रहा है, बहुत जल्दी वो आने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तुम लोगों की। आ चुका है वो दानव जिसको बनाया था डेविल गॉड ने तुम लोगों को मारने के लिए। अरे मजा आ गया, ये क्या चीज है? अरे डेविल गॉड ने ये क्या बना दिया? और भाई मजा आ गया, क्या चीज बनाई है? अब तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। नुबड़ा तुम चारों के चारों मरने वाले, तैयार हो जाओ, मैदान छोड़ के भाग जाओ इससे पहले कि वो दानव तुमको देख ले और तुमको कच्चा चबा जाए। इनको डराओ मत, इनको डराओ मत यार। अरे डेविल गॉड ने इनके लिए क्या बनाया है यार? तुम्हारे सामने पेश करता हूँ दानवों का दानव जिसको सब खत्म कर देते हैं एक बारी में। वो नरक का राक्षस है, तुम लोगों को कच्चा चबा जाएगा चारों को। लूसीफर, गोकू, नरूटो और क्रेटोस, तुम्हारे सामने मैं पेश करता हूँ नरक की कर्स स्पिरिट। वो तुम्हारे पीछे खड़ी है इस वक्त। जरा पीछे मुड़ के देखो तो सही अपने, वो कर्स स्पिरिट तुम्हें देख रही है। बहुत जल्दी तुम्हारा अंत होने वाला है। अरे यार मेरे को डर लग रहा है लूसीफर, ये किस कौन से कर्स स्पिरिट की बात कर रहा है? गोकू शायद वो कर्स स्पिरिट हमारे पीछे ही खड़ी है। अबे यार क्या पीछे मुड़ के देखो या नहीं देखो, कोई मेरे को ये बताएगा? क्या वो कर्स स्पिरिट दिखती कैसी है? क्या वो हमें मार डालेगी? क्रेटोस, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ में है लूसीफर और गोकू, और मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। जो भी होगा देख लेंगे। चारों के चारों पीछे मुड़ो इसी वक्त और देखो उस कर्स स्पिरिट को। क्या वो कर्स स्पिरिट बहुत खतरनाक है? अरे गोकू क्या हुआ, तुम पीछे मुड़ के कर्स स्पिरिट को नहीं देखोगे? अरे हाँ देखूंगा, जरूर देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा। आखिरकार कर्स स्पिरिट कैसी दिखती है लूसीफर, तुम मुझे बचा सकते हो क्या? नहीं देखो तो ठीक है गोकू, कर्स स्पिरिट बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। मैंने तो ऐसी कर्स स्पिरिट अपने पूरे हेल में नहीं देखी। अरे यार जल्दी बताओ मैं पीछे मुड़ू या नहीं मुड़ू? एक काम करता हूँ, पीछे मुड़ के देख ही लेता हूँ दिखती कैसी है कर्स स्पिरिट। ये क्या है? अरे भाई ये क्या चीज है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कैसी कर्स स्पिरिट है लूसीफर? अरे पता नहीं यार गोकू, मैंने तो अपने जीवन में ऐसी खतरनाक कर्स स्पिरिट नहीं देखी है कभी भी। इसके अंदर से दूसरी आत्माओं के हाथ और पैर वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान को खाता नहीं है, उसकी आत्मा को अपने शरीर के अंदर कैद कर लेता है। इससे तो जितना दूर हो उतना दूर रहना चाहिए अपन को। अरे यार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे अब हम चारों मिलके इसको कैसे हरा सकते हैं, तुम तो ये बताओ मेरे को। तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसका, तुम कितना भी मार लो, तुम चारों मिलकर के इसका कुछ नहीं कर सकते हो। लूसीफर तुम्हारे आदमियों को बोल दो, मेरा जो डेविल गॉड ने बनवाया है नया राक्षस, तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कर्स स्पिरिट है, मेरी बात मानो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसका। तुम जितना मार सकते हो इसका मार लो, जब तुम थक जाओगे उसके बाद फिर इस कर्स स्पिरिट की बारी होगी, इस बात का ध्यान रखना।
हम लोग बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। अरे यार लूसीफर तुम भी आओ ना यार, हमारी मदद करो यहाँ पे। देखो हमने इस कर्स स्पिरिट को उठा लिया है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमारी मदद करने के लिए आओ लूसीफर। अरे अरे लूसीफर क्या हुआ, जल्दी आ जा यार भाई। हम देख इसको नरूटो और गोकू कितना गंदा मार रहा है, लेकिन उसके बाद भी कर्स स्पिरिट तो मरने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो लूसीफर, जाओ जाकर के कर्स स्पिरिट को तुम भी जितना मार सकते हो मार लो, उसका कुछ नहीं होने वाला। ए लूसीफर और नारुतो, तुम दोनों कितना ज्यादा इसको मार रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मेरे डेविल गॉड की जय हो, क्या बनाई है चीज उन्होंने। चारों के चारों मिल के इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो जरा देखो इस कर्स स्पिरिट को कुछ नहीं हो रहा है। अरे ये क्या बनाया है तेरे डेविल गॉड ने, हम इसको मार रहे लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी तो मेरे डेविल गॉड ने स्पेशली ये हेल से बुलाया तुम चारों को मारने के लिए। तुम अपनी सबसे ज्यादा ताकत इसके ऊपर लगाओ, लेकिन उसके बाद भी इसका कुछ नहीं होगा। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो नुबड़ो, उसके बाद इस कर्स स्पिरिट की बारी आएगी और फिर वह तुम्हें मारेगा। गोकू नारुतो थक गए क्या तुम लोग? क्या हो गया, बस इतनी ही दिक्कत थी तुम्हारे में, इतनी ही पावर थी क्या? ये लोग ऐसा लगता है मानेंगे नहीं, थोड़ी देर में कर्स स्पिरिट अपना नया रूप दिखाएगी, उसके बाद तो फिर ये चारों के चारों मरेंगे। अरे बस करो, कितना मारोगे उसको, कुछ नहीं होने वाला उसे, वो इतनी सारी आत्माएं खा करके बैठी है। कुछ नहीं होने वाला उस कर्स स्पिरिट को, तुम लोग ऐसा लगता है मानोगे नहीं। कर्स स्प्रेड अब वक्त आ चुका है कि तुम अब इन चारों को उनके औकात दिखा दो। अरे आखिर ये किस चीज से बनी है? अरे ये बनी है लोगों के सोल से, ये कर्स स्पिरिट बहुत ज्यादा खतरनाक है लूसीफर। तुम जैसों को तो ये पता भी नहीं है कि ये कर्स स्पिरिट का मारते कैसे है इसे, इसका अंत कैसे होता है वो तो लूसीफर तुम्हें नहीं पता होगा। अरे जल्दी बताओ इसको कैसे हराना है, जल्दी बताओ इसको। गोकू इसको मारो और मारो। अबे भाई साहब मैं तो पूरा थक चुका हूँ इसको मार मार के, लेकिन ये कर्स स्पिरिट मरने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या करे? अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, चलो अब तमाशा देखो, अब तुम अपनी जान बचाओ, अब तुम चारों के चारों मरने वाले हो। गोकू बस कर, नहीं मरेगा तेर से वो, गोकू तो उसको मारने में लगा हुआ है। मेरी कर्स स्पिरिट ने अपना जादू शुरू कर दिया है, अब तुम चारों पिटोगे, चारों कितनी भी कोशिश कर लो तुम चारों की आज तो मौत तय है। कर्स स्पिरिट ने अपनी ताकत शुरू कर दी है, तुम चारों अपनी जान बचा के भागो। देखो देखो इसकी शक्ति कितनी ज्यादा है, तुम चारों तो आज मरोगे, तुम चारों का आज नामो निशान खत्म कर देगी ये कर्स स्पिरिट। अबे यार ये हो क्या रहा है आखिरकार, मैं हवा में कैसा अटक गया, इसने इसकी कर्स स्पिरिट कितनी ज्यादा है। अरे अरे हाँ यार, हम तो इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यार इसको कुछ असर नहीं पड़ रहा है, पता नहीं ये नरक की हेल फायर यहाँ पे चला रही है हमको ये मारने में लगी है। अपनी पूरी शक्ति लगाओ सभी लोग, गोकू लूसीफर अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ो। अबे भाई साहब कहाँ चली गई यार ये, तो मैं इसको देखो कितने मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा हूँ। अबे कर्स स्पिरिट, अबे तू मरती क्यों नहीं है यार, मैंने क्रेटोस ने तो अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी ये कर्स स्पिरिट हिल भी नहीं रही है यहाँ से। अरे इसके पास ये कौन सी शक्ति है? अरे यार ये तो मेरे को भी नहीं पता, मैं आखिरकार हवा में कैसे अटक रहा हूँ बार बार, इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, मैं अपनी पावरफुल पावर को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसने मेरे को बीच में रोक दिया है। चारों कैसे लड़ रहे हैं उससे, इनको पता भी नहीं है कि कर्स स्पिरिट को ये कभी भी नहीं हरा सकते है। लड़ो लड़ो नुबड़ो लड़ो, तुम्हारी हालत खराब कर देगी कर्स स्पिरिट। क्यों लूसीफर, जब थक जाए ना तो अपने हेल में वापस चला जाइयो इस कर्स स्पिरिट से। अबे मेरे भी लग रही है। अरे कोई बात नहीं, कर्स स्पिरिट इतना तेजी से पावर डालती है कि दूर दूर तक सारे लोग जल जाते हैं, आधे से ज्यादा। देखो लूसीफर को बेचारा भाग भी नहीं पा रहा है। लूसीफर तेरी ताकत को क्या हुआ आज आखिरकार लूसीफर मरेगा। इसके पास जाके देखता हूँ, कर्स स्पिरिट तो अपनी हेल फायर से इसको मार रही है। हेल फायर से लूसीफर तो बच जाएगा, लेकिन गोकू और नारुतो नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो तो इस दुनिया के नहीं है। लड़ो लड़ो, मैंने तो ऐसी लड़ाई आज तक नहीं देखी। कर्स स्पिरिट अपनी पूरी पावर दिखा दे और इन सब को खत्म कर दे आज। अरे बाप रे, ये कैसी ताकत है। क्या मस्त मजा आ रहा है। अरे ये क्या, कर्स स्पिरिट को किसने फेंक दिया उठा के? अरे कर्स स्पिरिट, अरे बाप रे बाप, कर्स स्पिरिट तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई लगता है। अब तो तुम्हारी खैर नहीं, अब तो तुम मरोगे, अब तो तुम उड़ो भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, कर्स स्पिरिट को मारना इतना आसान नहीं है।
अरे यार, किसी ने मेरे को हवा में अटका दिया। ये कैसी कर्स स्पिरिट है अजीब सी। इन सब ने ये बार बार, अरे मेरे को कोई बचाओ यार, इसने मेरे को हवा में अटका दिया। अरे हाय यार, ये क्या है अजीब सी, मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ इससे। अरे यार क्या करे इसका, इसको भगाओ ना कोई यहाँ से। आह आह, अरे ये हेल की फायर मेरे मुंह पे आ रही है, कुछ तो करो यार। अरे यार मेरे को भी बीच में अटका दिया, मेरे को छुड़वाओ इससे, ये समय को रोक देती है। अरे हो, तुम सही बोल रहे हो, ये समय को रोक देती है कर्स स्पिरिट। इसके पास में शायद टाइम की पावर है, ये हमें बीच हवा में अटका क्यों देती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे यार मैं तो क्रेटोस हूँ, क्रेटोस भी इसको नहीं मार पा रहा, अब क्या करे, इस कर्स स्पिरिट को तो हटाना ही पड़ेगा यहाँ से। बेवकूफ, अभी तक समझ नहीं पाई ये लोग कि उसे कभी भी हरा नहीं सकते है। इसको डेविल गॉड ने बहुत ज्यादा मिन्नतों के बाद यहाँ बुलाया है। बाप रे, क्या जंप लगाया है कर्स स्पिरिट ने, ये लगता है आसमान से। ओरे बाप रे, ओरे यार, ये कैसी शक्ति, ये ऐसी शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है। वाह 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 डेविल गॉड, आपकी शक्तियों को तो मानना पड़ेगा, आखिरकार डेविल गॉड बहुत ही। ओरे बाप रे बाप, ये कर्स स्पिरिट कर क्या रही है, ये आग का शोला धटका रही है, नीचे से लावा भी निकाल रही है। ये चारों मर जाएंगे, ये चारों तो आज मर जाएंगे। इनको समझाओ कमेंट में लिख करके, कमेंट में स्टॉप लिखो, इन चारों में से कोई एक मर जाएगा वरना तुम्हारा हीरो मारे जाएंगे। कमेंट में स्टॉप लिखो, ये कमेंट सेक्शन में स्टॉप लिखो, वरना तुम्हारे हीरो आज मारे जाएंगे। इनको बोलो कि रुक जाइए, कर्स स्पिरिट मार देगी तुम्हारे हीरो को। कितना गंदा मार रही है हमारी कर्स स्पिरिट, देखो आग का शोला धधका रही है नीचे जमीन से। तुम लोगों ने देखी है कभी ऐसी पावर? ये डेविल गॉड का सिर्फ एक मॉन्स्टर है, उसके पास में ऐसे 100 मॉन्स्टर है, जल्दी से इनको रोको अपने लोगों को। अरे लूसीफर, कमेंट सेक्शन पढ़ ले, सब लोग स्टॉप लिख रहे है। अपने घमंड में मत मार लूसीफर, नरूटो, क्रेटोस और गोकू, तुम चारों के चारों इस वक्त अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। तुम कुछ नहीं कर सकते कर्स स्पिरिट का, वो नरक की आत्मा है, वो बहुत सारे लोगों को खा करके बैठी है। तुम कितने लोगों को मारोगे? अरे हम इसको मार देंगे मंकी किंग, तेरे डेविल गॉड के सामने अभी इस कर्स स्पिरिट को हम लोग मारेंगे। नहीं मार सकते गोकू, नहीं मार सकते, मारना ही होता तो अब तक ये कितनी बार मर चुका होता कर्स स्पिरिट। ऐसा लगता है ये लोग मानेंगे नहीं, इतनी देर हो चुकी है लेकिन ये मरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है मेरे को अपने आदमियों को भेजना पड़ेगा गोकू को मरवाने के लिए। तुम लोगों ने भी स्टॉप नहीं लिखा है, तुम लगता है चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारे हीरो आज बच जाए। अरे मर जाएंगे वो, कमेंट में स्टॉप लिखो, इनको मनाओ, इनको बोलो कि वापस घर चले जाओ, पूरी तैयारी के साथ आओ, वरना ये चारों में से कोई ना कोई तो मरेगा आज, पक्की बात है। ये क्या है? अरे ये कर्स स्पिरिट आसपास की कारों को अपने पास में लेकर के गोकू और नारुतो के ऊपर गिरा रही है। तुम्हारे हीरो में से आज कोई एक तो मरेगा, पक्की बात है, तुम्हारे हीरो में से कोई एक तो मरेगा। एक काम करो, आखिरकार अब वक्त आ चुका है, मेरी कर्स स्पिरिट आज़ाद हो चुकी है और अब वो लूसीफर, नारुतो, क्रेटोस और गोकू को मारने के लिए अपनी आखिरी शक्ति लगाने वाली है। ये चारों अपने घमंड में मरेंगे। ऐसी शक्तियाँ मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी है जैसी ये कर्स स्पिरिट इनको मार रही है। कर्स स्पिरिट ने समय को रोक रखा है, इसीलिए ये चारों अपने जगह से भाग भी नहीं पा रहे हैं। कर्स स्पिरिट अच्छी तरीके से जानती थी कि इनको कैसे मारना है, क्योंकि ये चारों है तो शक्तिशाली लेकिन इनको अपनी, अरे अरे यार, कर्स स्पिरिट की पावर इतनी ज़्यादा है कि उसके पास में अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरी भी हेल्थ कम हो जा रही है, मैं उसके पास तो नहीं जाऊंगा। कर्स स्पिरिट लिटरली में इन चारों को बहुत बुरी तरीके से मार रही है। कर्स स्पिरिट इनको चुन चुन के मार रही है। ऐसी शक्तियाँ भाई मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। लूसीफर को तो इसने एक जगह पे अटका के रखा है, अगर लूसीफर छूट जाए तो हो सकता है कि शायद लूसीफर आज कर्स स्पिरिट को अच्छा मुकाबला दे सके, लेकिन नहीं, कर्स स्पिरिट बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो पावरफुल नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है। देखो इनके पास गाड़ी आ रही है इतनी बड़ी और इनको दिखी भी नहीं। आखिरकार ये बहुत गंदी मौत मरने वाले, इन चारों में से एक ना एक तो मरेगा। ये क्रेटोस के साथ इसने क्या कर रखा है, क्रेटोस तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, क्रेटोस को समय पे उसने रोक रखा है। चारों को, चारों की शक्तियाँ इस समय बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त कर्स स्पिरिट चारों के ऊपर हेल की अपनी एनर्जी डाल रही है, जिससे कि इनकी पॉजिटिव एनर्जी कम होती जाए और इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसके कारण ये चारों बेहोश होकर मर जाए। कर्स स्पिरिट बहुत ज़्यादा दिमाग वाली है।
देखो पहले उसने अपनी एनर्जी डाली और अब आप वो इसको मार रही है, एक एक करके चारों को मार डालेगी। तुम लोगों ने अभी तक अगर स्टॉप नहीं लिखा तो आज लूसीफर और क्रेटोस, कोकू, इन चारों में से एक बंदा तो मरेगा और उसकी वजह होंगे तुम लोग। तुम लोग जो स्टॉप नहीं लिख रहे हो, तुम्हारी वजह से मरेगा आज तुम्हारा सुपर हीरो। मार कर स्प्रेड मार, लगता है इनके सब्सक्राइबर चाहते हैं कि चारों मर जाए और फिर लॉस सैंटोस में हमारा राज चलेगा। मरेगा इन चारों में से आज एक ना एक कोई बंदा। करो बस करो, तुम लोगों का समय अब समाप्त हो चुका है। बहुत जल्दी अब यहाँ पे कर्स स्पिरिट ने सोच लिया है कि तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। तुम्हारे पास जब समय था तब तो तुम भागे नहीं, तो अब भुगतो फिर। अरे यार लूसीफर, क्या करे आखिरकार इस कर्स स्पिरिट का, मेरी अब तो पावर जवाब दे चुकी है। अबे यार गोगू, मेरी भी हालत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, मैं थक चुका हूँ इस कर्स स्पिरिट से लड़ते लड़ते, इसने हमारी ऐसी तैसी कर दी है। अबे भाई साहब, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाग चलते हैं यहाँ से, अगर जान बची रही तो अगली बार फिर से इसको हरा लेंगे यार। भाई साहब यहाँ से भाग चलते हैं, चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे यार मन तो मेरा भी नहीं हो रहा है भागने का, लेकिन क्या करूँ, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी इस कर्स स्पिरिट ने कि मेरी अब लड़ने की हिम्मत ही नहीं रही है। भाइयों एक काम करो, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इस कर्स स्पिरिट से निपटता हूँ, इसको मैं देखता हूँ, तुम्हारे को टाइम मिल जाएगा भागने का। तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इससे लड़ाई करता हूँ, मैं इसको बिजी रखूँगा, तुम पीछे से निकल जाना। क्या क्या बोल रहे हो तुम, हम तुम्हें अकेला छोड़ करके नहीं जा सकते, क्या बात कर रहे हो लूसीफर। अरे हाँ तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हम चारों मारे जाएंगे, वरना ये कर्स स्पिरिट मेरे को अच्छे मूड में नहीं लग रही है, ये जान निकाल लेगी हम चारों की। तुम्हें भागना पड़ेगा गोकू, नारुतो, क्रेटोस, जल्दी से भागो यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है, मैं इस कर्स स्पिरिट से लड़ता हूँ, आखिर में अगर ये मेरे को मार भी दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, जाओ भागो। यार गोकू मेरी बात सुनो, मेरा मन तो नहीं है लेकिन हमें अपनी जान बचानी पड़ेगी। अरे यार लेकिन मैं लूसीफर को कैसे छोड़ करके जा सकता हूँ। अरे भाई गोकू, अगर हम लोग नहीं गए यहाँ से तो हम भी मारे जाएंगे। क्रेटोस सही बोल रहा है, गोकू, नारुतो, क्रेटोस निकलो यहाँ से। चलो ठीक है यार लूसीफर, तुम अपना ध्यान रखना, हमारी हालत तो इस कर्स स्पिरिट ने खराब कर दी है। चलो दोस्तों भागते हैं यहाँ से, जल्दी निकलो मेरे साथ में, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। यार लूसीफर तो आज बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, ये फ्रैंकलिन कहाँ चला गया, मेरे को तो यही नहीं पता फ्रैंकलिन आखिर गया कहाँ पे। आओ दोस्तों जल्दी, पहली बार मैं मैदान पे पीठ दिखा के भाग रहा हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ जो भाग जाए, लेकिन अब क्या करें, हम इस कर्स स्पिरिट के लिए तैयार नहीं थे, पता नहीं ये डेविल गॉड कौन सी कर्स स्पिरिट को लेकर के आ जाओ। कर्स स्पिरिट आ जाओ, तेरे में जितनी हिम्मत है तू मेरे को मार ले, तू मेरे को मार सकती है तो मार ले कर्स स्पिरिट, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दे। अरे मेरी बात सुनो कर्स स्पिरिट, पहले इसके दोस्तों को मारो, नारुतो और गोकू, वो भाग रहे हैं, जाओ इसे पकड़ो। तुम्हें क्या लगता है लूसीफर, तुम्हारे दोस्त बच जाएंगे? अरे नहीं। अरे क्या, अरे ये क्या, इसने मेरे को पकड़ लिया, इसने मेरे को पकड़ लिया, अरे बाप रे इसने मेरे को पकड़ लिया, और इसने मेरे को भी पकड़ लिया। कर्स स्पिरिट बहुत बेकार है ये कर्स स्पिरिट। अरे यार बचाओ, अरे हम मर चुके हैं, क्या करें, छोड़ दे मेरे को कर्स स्पिरिट, गोकू अपनी जान बचाओ। अरे ये क्या किया तुमने, तुमने मेरे दोस्तों को मार डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं गोकू हूँ। अरे छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को जाने दो। अरे छोड़ो मेरे को जाने दो। अरे ये क्या किया तुमने, तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, ऐसा क्यों किया तुमने बताओ मेरे को, अरे मेरे को भी पकड़ लिया तुमने, अरे नहीं। आ, 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 कर्स स्पिरिट बहुत बेकार है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, गोकू, नारुतो, क्रेटोस, क्रेटोस मेरे भाई, अरे ये क्या हो गया, नहीं कर्स स्पिरिट, कर्स स्पिरिट ये क्या किया तुमने, तुमने तो क्रेटोस, गोकू, नारुतो तीनों को मार दिया,
ये गॉड्स स्पिरिट बहुत ही ज्यादा बेकार है। अभी जाकर के मैं इसको बताता हूँ मैं क्या करूँ। लेकिन अगर मैं इसके पास में गया तो वो मेरे को भी मार देगी। मैं क्या करूँ, मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, मेरे को यहाँ से मन तो कर रहा है कि मैं मार दूँ, लेकिन नहीं, ये गॉड्स स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। टोनी के पास जाता हूँ, इन सबको गाड़ी में बिठा के यहाँ से निकलने में भलाई होगी। गॉड्स स्पिरिट इस वक्त मेरे को ढूंढ रही है, मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए इस वक्त। हाँ चलो, मैंने इनको गाड़ी के अंदर तो रख लिया है। अरे दोस्तों, मैं तुमको जल्दी से लेकर के चलता हूँ टोनी के पास। वही तुम, अरे ये क्या गॉड्स स्पिरिट कहाँ से? और नहीं, अरे पूरी गाड़ी, अरे नहीं गॉड्स स्पिरिट, अरे गॉड्स स्पिरिट कहाँ से आ गई? इसने तो मेरी गाड़ी को पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। मेरे को जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। गॉड्स स्पिरिट मेरे पीछे आ रही। अरे नहीं यार, मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब। गॉड्स स्पिरिट, अरे अरे गॉड्स स्पिरिट, ये गॉड्स स्पिरिट पूरी गाड़ी पेड़ी तोड़ देगी। अरे नहीं, अरे गॉड्स स्पिरिट तो बहुत गंदी तरीके से मार है। अरे यार, इसने मेरी पूरी, अरे गॉड्स स्पिरिट बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ी है मेरे। मेरे को जल्दी जल्दी गाड़ी चलानी पड़ेगी, मेरे पीछे आ रही गॉड्स स्पिरिट। दोस्तों, क्या आप लोग एक आखिरी बार मेरी मदद कर सकते हो? मेरे को एक रेड हार्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आज मैंने अपने दोस्तों की जान नहीं बचाई तो दोस्तों, हमारे सभी सुपर हीरो मारे जाएंगे। दोस्तों, आज तुमको जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा तुमको रेड हार्ट करना है। दोस्तों, इसने गाड़ी उठा ली। नहीं, क्या करूं मैं, गाड़ी छोड़ के चला और पानी में फेंक दी इसने। नहीं, मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे को माफ कर देना दोस्तों, मुझे माफ कर देना। अरे नहीं, गॉड्स स्पिरिट ने ये क्या किया? गॉड्स स्पिरिट ने गोकू नारुतो को पानी में फेंक दिया गाड़ी के साथ, वो डूब करके मर जाएंगे। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, क्या करूं? अरे ये क्या हो गया? अरे बच गए। अरे बाप रे, इतना ज्यादा हालत खराब तो मेरी कभी भी नहीं हुई। लेकिन अब मैं उनको कैसे बचाऊं? वो तो गाड़ी में, उनको मैंने गाड़ी में बांध करके रखा था जिससे कि उनकी बॉडी गाड़ी से नीचे ना गिरे। लेकिन अब वो पानी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए समा जाएंगे। एक साथ तीनों की मौत हो चुकी है। अब मैं क्या करूं, मैं किसको बुलाऊं अपनी मदद के लिए? गॉड्स स्पिरिट से बच तो मैं गया लगता है, वो पानी के अंदर तो नहीं आ सकती है। लेकिन गोकू नारुतो और क्रेटोस, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, मैं नेक्स्ट। अरे मेरे पीछे शार्क पड़ गई, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। नहीं, मेरे पीछे शार्क पड़ गई। अरे मैं ऊपर जा सकता हूँ क्या यहाँ पे? अरे यार, ये क्या है, शार्क कहाँ से आ गई है ये? हाँ चलो, ऊपर चलता हूँ मैं। अरे पानी के अंदर इतनी सारी शार्क घूम रही है। अरे नहीं, गोकू नारुतो क्रेटोस को शार्क खा जाएगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, सीढ़ियाँ दिख गई है मुझे सीढ़ियाँ दिख गई है। पकड़ लिया मैंने, ऊपर चलता हूँ। बच गया मैं तो शार्क से, लेकिन ये क्या हो गया? अरे ये नहीं हो सकता, मेरे दोस्त क्रेटोस, गोकू, वो सब तो पानी में, समुद्र में समा गए। अब उनको कौन बचाएगा? अरे कौन बचाएगा उन्हें, मेरे को नहीं पता। ये किसकी बोट है, यहाँ पे तो लोग हैं। चलो दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लोग नारुतो क्रेटोस को कैसे बचा सकते हैं वो देखेंगे। आप लोगों से विनती है, जल्दी से 500 लाइक करा दो। जैसे ही 500 लाइक होंगे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। पानी की समुद्र की गहराइयों में जा चुके हैं हमारे बहुत बड़े बड़े योद्धा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय। A few moments later. कैप्टन अमेरिका को मैंने फ्रैंकलिन की बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल भेजा था। मेरे को पता नहीं फ्रैंकलिन जिंदा या फ्रैंकलिन को गोजो ने मार दिया। कैप्टन अमेरिका शायद फ्रैंकलिन को बचाने में नाकाम रहा होगा, वरना उसका मेरे पास फोन आ जाता। कैप्टन ने मेरे को फोन नहीं किया, इसका मतलब हो सकता है कि शायद फ्रैंकलिन मारा जा चुका है। कैप्टन, मेरे को बताओ कि फ्रैंकलिन की हालत कैसी है? टोनी, एक बुरी खबर है, हम लोग फ्रैंकलिन को नहीं बचा पाए। क्या मतलब नहीं बचा पाए? वो हमारे बीच में नहीं रहा, गोजो सातरो ने उसकी जान निकाल ली। टोनी, जब तक मैं फ्रैंकलिन को हॉस्पिटल लेकर के आया, फ्रैंकलिन मारा जा चुका था। डॉक्टर ने यही बोला कि फ्रैंकलिन को लाने में देर हो गई, अब हमें उसे आखिरी अलविदा की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। कैप्टन, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर हम सब लोगों को ये बात कैसे बताएंगे? हम सिंचन और चौप को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम लोगों ने फ्रैंकलिन को मरने दिया? अब क्या करें, फ्रैंकलिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी। आखिरकार फ्रैंकलिन मारा जा चुका है, ये बात हम सिंचन चौक को कैसे बताएंगे? कैप्टन, मैं डॉक्टरों से पूछकर आता हूँ कि क्या फ्रैंकलिन को अब वापस जिंदा नहीं किया जा सकता किसी भी तरह। डॉक्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं डॉक्टरों से पूछता हूँ। अरे डॉक्टर, मेरे को ये बताओ कि क्या फ्रैंकलिन के साथ क्या हुआ था और क्या उसे अब वापस जिंदा नहीं कर सकते? अरे ये क्या, फ्रैंकलिन कैसे मार सकता है? मेरे कंप्यूटर रडार पे हमको हमारी दुनिया में ये पता चला कि फ्रैंकलिन की सांसें कम हो गई है। मुझे जल्दी से जा करके कुछ करना पड़ेगा। कहाँ है फ्रैंकलिन? क्या यहाँ पर है क्या?
फ्रैंकलिन, यहाँ पर उसका सिग्नल तो यहीं आ रहा है लेकिन मेरे को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हाँ, सामने कुछ लोग खड़े हैं, चलो इनसे पूछता हूँ। अरे, यहाँ पे फ्रैंकलिन नाम का कोई बंदा है क्या? हाँ, सुनो मेरी बात, ये रहा फ्रैंकलिन। हाँ फ्रैंकलिन, इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? अरे डॉक्टर, इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई मेरे को ये बताओ। हाँ, फ्रैंकलिन को किसी ने पीट पीट के मार डाला, ये अब हमारे बीच में नहीं है। क्या मतलब, ये मर चुका है? लेकिन ये तो एक ग्रीन लैंटर्न था, ग्रीन लैंटर्न को ऐसे मार थोड़ी सकता है। अरे इसको वापस चेक करो डॉक्टर, ये ग्रीन लैंटर्न है, ग्रीन लैंटर्न को ऐसे नहीं मारा जा सकता। ओ भाई साहब, आप कौन हो, यहाँ क्या करना है हो, फ्रैंकलिन को कैसे जानते हो और तुम फ्रैंकलिन के पास क्या कर रहे हो, ये बताओ पहले मेरे को। मैं फ्रैंकलिन के साथ रहता हूँ, मेरा नाम है टोनी स्टार्क, आयरन मैन बोलते हैं मेरे को। मेरा नाम है ग्रीन लैंटर्न और थोड़े दिन पहले मैंने फ्रैंकलिन को भी ग्रीन लैंटर्न बनाया था। हमारे रडार पे ये डिटेक्ट हुआ कि फ्रैंकलिन की दिल की धड़कन अचानक से बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। अगर कोई सामान्य मनुष्य होता तो वो जरूर से मारा जाता, लेकिन ये ग्रीन लैंटर्न है फ्रैंकलिन, इसको इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा कि फ्रैंकलिन तो मारा जा चुका है? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अगर तुम जाकर चेक कर सकते हो, उसकी सांसें बंद हो चुकी है। फ्रैंकलिन के हाथ में क्या तुमने कोई ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी देखी आयरन मैन? क्या ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी? यार मैंने तो चेक नहीं किया, रुको अभी चेक करके आता हूँ मैं। नहीं, इसके हाथ में तो कोई मेरे को अंगूठी दिख नहीं रही। अगर इसने ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी पहनी होती तो शायद आज ये जिंदा हो सकता था, मैं इसको बचा सकता था। फ्रैंकलिन को ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी पहने रखना चाहिए था जब उसको पता था कि उसकी जान पे खतरा है। अरे हो सकता उसको टाइम नहीं मिला वो अंगूठी पहनने का। हाँ, अगर उसके पास में अंगूठी होती तो मैं उसे जरूर बचा लेता, लेकिन उसने अंगूठी नहीं पहन रखी। जरा दूसरे हाथ में भी चेक कर लो एक बार जाकर के आयरन मैन। अरे हाँ, जब इस हाथ में नहीं है तो दूसरे हाथ में क्या होगी? रुको अभी जाके चेक करता हूँ, वैसे दूसरे हाथ में भी नहीं है। हाँ मेरे को दिख गया। अरे एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ चीज जल रही है, यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न। हाँ ये शायद तुम्हारी अंगूठी है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैंकलिन को बचाया जा सकता है, उसे शायद पता था कि उसकी जान के ऊपर खतरा है इसलिए उसने ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी पहन रखी है। लेकिन अंगूठी तो नहीं है, एक घड़ी जैसी कुछ है। अरे हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम किसी किसी को अंगूठी देते हैं, किसी किसी को घड़ी देते हैं। तो चलो चलो जल्दी करो, फ्रैंकलिन को कैसे बचाया जा सकता है, इसके पास में बहुत ही कम समय बचा है। अगर कोई गुंजाइश है फ्रैंकलिन को बचाने की तो वो यही है, हमें अभी इसी वक्त बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। तुम क्या क्या करना चाहते हो जल्दी बताओ, ग्रीन लैंटर्न कैसे, कौन सा ऑपरेशन थिएटर लेके जाओ इसको, यहाँ पे तो इसका इलाज है नहीं। अरे नहीं, मैं इसको अपने ग्रह पर लेकर जाऊंगा। क्या बात, क्या मतलब, लेकिन तुम इसको इतना दूर कैसे लेकर जाओगे? हाँ, हमारे पास में टेलीपोर्टेशन का रास्ता है, इसका इलाज तो वही हो सकता है, वहाँ पे मशीन में इसको डालना पड़ेगा। इसकी जो घड़ी इसने पहन रखी है ग्रीन लैंटर्न की, उसके अंदर जो इसका खून जमा हुआ है उसी से हम इसका नया खून बनाएंगे वहाँ पर। हम मेरे को फ्रैंकलिन को मेरे ग्रह पे ले जाना होगा, तब तक पीछे से तुम्हें संभालनी पड़ेगी पूरी धरती, पूरी पृथ्वी। अरे हाँ, उसकी तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी से फ्रैंकलिन को ठीक करके वापस से यहाँ पे लेकर के आओ, जल्दी जाओ इसको लेकर आओ, उस बच्चे के पास समय बहुत ज्यादा कम है। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम भी आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लेना, फ्रैंकलिन के लिए हम भी आ सकते हैं। हाँ हम भी आ सकते हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ग्रीन लैंटर्न, अब जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ मैं बहुत जल्दी लेकर के जाता हूँ फ्रैंकलिन को। आज अगर ग्रीन लैंटर्न की घड़ी फ्रैंकलिन ने नहीं पहनी होती तो आज उसकी जान चली जाती, आज वो मारा जा चुका था। लेकिन चलो, आज ग्रीन लैंटर्न की घड़ी की वजह से आज फ्रैंकलिन की जान बचने वाली है। चलो फ्रैंकलिन मेरे साथ में चलो मेरे ग्रह पे, वहाँ पे तुम्हें दोबारा से जिंदा करा जाएगा। चलो आयरन मैन, मैं चलता हूँ, तुम पीछे से अपना ध्यान रखना।